और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से। एलिवेटेड रोड पर कार पलट गई है, ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें गाजियाबाद से, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की पूरी घटना जहां पर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर की हालत अभी काफी सीरियस है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अलीगढ़ से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल्ला अरसलान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस से जुड़े सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकवादियों को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पुणे मॉड्यूल से जुड़कर केमिकल बम बना रहे थे। अब्दुल्ला अरसलान एएमयू से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में है। सूत्रों की माने तो अरसलान बम का परीक्षण भी कर चुका था। वहीं गिरफ्तार आतंकी माजबीन तारीख बीकॉम कर चुका है। दोनों आतंकी पहले गिरफ्तार हो चुके शहनवाज और रिजवान के संपर्क में थे। बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि रिजवान और शहनवाज के घरों की महिलाएं भी आईएस के हैंडलर्स के संपर्क में थीं। ये लोग यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुणे मॉड्यूल के तार एएमयू के अलावा नई दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से भी जुड़ रहे हैं। पुणे मॉड्यूल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, केरल, कर्नाटक, गोवा में नेटवर्क फैला रखा है। केंद्रीय एजेंसियां भी इस मॉड्यूल के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। ये मॉड्यूल बड़े नेताओं, नामचीन लोगों पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। और यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।